गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का फिर से अपने लर्निंग प्रोग्राम में लेक्चर्स में स्वागत है। मैं अनुपमा लाभे जो आपका सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ले रही हूँ, आज के अपने इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्पेशल बिजनेस एंड ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ मीटिंग। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था एजेंडा क्या होता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट द टाइम ऑफ मीटिंग एंड दैट बिजनेस इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, दैट इज अ स्पेशल बिजनेस एंड ऑर्डनरी बिजनेस। सो लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑन द टॉपिक बिजनेस ऑफ मीटिंग। क्या होता है बिजनेस ऑफ मीटिंग? जैसे कि हमने देखा था, नोटिस शैल क्लियरली स्पेसिफाई द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड देयर एट। नोटिस में बताना बहुत जरूरी होता है कि आप क्या वो मीटिंग में बिजनेस जो है वो ट्रांजैक्ट करने वाले, दैट मीन्स कौन से पॉइंट्स के ऊपर आप वहाँ पे डील करने वाले। द बिजनेस दैट इज़ एजेंडा टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग में बी प्लेस्ड अंडर टू हेड्स। उन्होंने ये एजेंडा को दो हेड में बताया हुआ है, ऑर्डनरी बिजनेस एंड द स्पेशल बिजनेस। तो क्या होता है ऑर्डनरी बिजनेस, सबसे पहले देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि स्पेशल बिजनेस क्या होता है। चलो ऑर्डनरी बिजनेस जो है वो देखिए क्या है। In case of an annual general meeting, following business shall be regarded as ordinary business. यानी annual general meeting में जो business transact किया जाता है, जो business किसे हम लोग ordinary business कहते हैं वो देखते हैं। First उन्होंने बताया the consideration of financial statement, consolidated financial statements if any, and the reports of the board of directors and auditors. देखिए हम लोग को सभी मालूम है ऑर्डनरी बिजनेस क्या है, यानी जो रूटीन वर्क जो रेगुलरली जो एजीएम में करना ही चाहिए। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजीएम कंसिडरेशन, दैट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज पुट बिफोर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड दैट इज़ अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो ये क्या है द कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी वो होते हैं कि जैसे आपकी होल्डिंग कंपनी है तो सब्सिडरी कंपनीज़ के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके कंपनी के साथ मिलाए जाते हैं। तो ये भी आपको किसके सामने रखने, मेंबर्स के सामने रखने एट द टाइम ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग इफ़ एनी, अगर है तो। एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, जो रिपोर्ट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाए हुए हैं और जो ऑडिटर्स ने बनाए हुए हैं वो भी मेंबर्स के सामने अप्रूवल के लिए या तो हम लोग कह सकते हैं कंसिडरेशन के लिए रखने होते हैं। तो दिस इज़ अ रेगुलर एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, ये हर एक मीटिंग में इसीलिए एजीएम जो है वो कॉल की जाती है एंड दैट्स व्हाई दिस आर ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिजनेस। द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये भी रूटीन वर्क है, प्रॉफिट हुआ है तो आप डिक्लेयर करोगे डिविडेंड को, यानी कौन से डिविडेंड को, इक्विटी शेयर्स के। प्रिफरेंस शेयर्स के बारे में भी है लेकिन प्रिफरेंस शेयर्स के लिए प्रोविजन्स अलग होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड की प्रोविजन अलग से होती है। तो जो भी डिविडेंड है मस्ट बी डिक्लेयर्ड एट द एजीएम एंड द डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड एट द एजीएम इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिजनेस। लेकिन आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अ रेगुलर एक्टिविटी, बराबर है, जिसके लिए आप ईजीएम को कॉल करते हो, ठीक है। तो दैट इज़ अ स्पेशल बिजनेस, लेकिन ये एनुअली जो आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो दैट इज़ रेगुलर एक्टिविटी एंड दैट इज़ इंक्लूडेड अंडर योर ऑर्डिनरी बिजनेस। देन द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, ये भी रेगुलर एक्टिविटी है, जो एवरी डायरेक्टर दैट मीन्स द डायरेक्टर्स आर रिटायर्ड बाय रोटेशन, और जो रिटायर्ड होते हैं उनकी जगह पर आपको दूसरे डायरेक्टर्स का अपॉइंट करना है। जो रिटायर्ड हो रहे हैं ही इज़ ऑल्सो एंटाइटल्ड टू बी रीअपॉइंटेड, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट करना जरूरी होती है एनुअल जनरल मीटिंग में। तो ये फिर से रेगुलर एक्टिविटी है एंड दैट्स वाई दिस इज नोन एज द ऑर्डिनरी बिजनेस। नेक्स्ट वन इज़ द अपॉइंटमेंट और रेटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेम्यूनरेशन। देखिए आज हमने ये भी देखा है 2013 में एक ऑडिटर जो है वो 5 साल कंटिन्यूसली आपके यहाँ पे काम कर सकता है एज अ ऑडिटर करके, लेकिन उसका जो ये है जो उसकी अपॉइंटमेंट हुई उसके लिए रेटिफिकेशन चाहिए। रेटिफिकेशन यानी क्या है कि हाँ यही 5 साल तक के अपॉइंट रहेगा, 6th ईयर पे उसकी क्या होती है फिर से दूसरा अपॉइंट किया जाता है इन प्लेस ऑफ दैट ऑडिटर, बराबर है। लेकिन ये जो ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया हुआ है उसके लिए रेटिफिकेशन जो है
एट द टाइम ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ये क्या किया जाता है, मेंबर्स ऑफ द कंपनी की तरफ से लिया जाता है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ रूटीन वर्क ऑफ द कंपनी। तो और अगर आप ऑडिटर को भी, जो ये है जिनका टेन्योर ख़त्म हो गया है, उनके जगह पे आपको दूसरा ऑडिटर अगर अपॉइंट करना है तो दैट इज़ ऑल्सो अ रेगुलर एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डरी बिजनेस रिजोल्यूशंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द नोटिस, यानी कौन सा रिजोल्यूशन आपको पास करना है ये बताने की ज़रूरत नहीं रहती नोटिस में, एक्सेप्ट वेयर द ऑडिटर्स और डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड आर अदर दैन द रिटायरिंग ऑडिटर्स और डायरेक्टर्स। आपको रिजोल्यूशन कौन सा पास करना है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जो ऑडिटर रिटायर्ड हो रहा है या जो डायरेक्टर अब रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी जगह पे आप अगर किसी और ऑडिटर को या और डायरेक्टर को अपॉइंट करने वाले हो तो ऐसे इसमें आपको ये मेंशन करना नोटिस में ज़रूरी होता है। देन अभी डिस्कस करते हैं क्या होता है आपका स्पेशल बिजनेस। ठीक है, स्पेशल बिजनेस क्या होता है, अदर देन ऑर्डनरी बिजनेस आर नोन एज स्पेशल बिजनेस। जैसे स्पेशल बिजनेस मीन्स बिजनेस अदर देन द ऑर्डनरी बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट एन एनुअल जनरल मीटिंग एंड ऑल बिजनेस डन ऑल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट एनी अदर एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग। देखिए ऑर्डनरी बिजनेस को छोड़ के जो भी बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला है एनुअल जनरल मीटिंग में दैट इज़ नोन एज स्पेशल बिजनेस, और कोई भी बिजनेस जो ट्रांजैक्ट होता है एट एनी अदर एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग, कोई भी एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग में जो ट्रांजैक्ट किया जाता है दैट ऑल बिजनेस टू बी ट्रीटेड एज स्पेशल बिजनेस। सिंपली स्टेटेड स्पेशल बिजनेस मीन्स बिजनेस अदर दैन द ऑर्डनरी बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट एन एनुअल जनरल मीटिंग एंड एनी एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग, यानी एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग लीजिए और एनुअल जनरल मीटिंग लीजिए, उसमें जो ये है बिजनेस है अदर देन ऑर्डनरी बिजनेस आर ट्रीटेड एज स्पेशल बिजनेस। ठीक है, इन एडिशन टू ऑर्डनरी बिजनेस आइटम्स ऑफ स्पेशल बिजनेस मे बी ट्रांजैक्टेड एट एनी एनुअल जनरल मीटिंग। ये जो जनरल मीटिंग होती है आपकी उसमें जो स्पेशल बिजनेस है ऑर्डनरी बिजनेस के अलावा ये स्पेशल बिजनेस कंडक्ट किए जाते हैं कौन से मीटिंग में, जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग। बट इन ऑल अदर जनरल मीटिंग्स ओनली द आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस में भी ट्रांजैक्टेड, लेकिन बाकी के कोई भी अदर दैन द एनुअल जनरल मीटिंग जितने भी जनरल मीटिंग्स होते हैं उस वो इसीलिए कॉल किए जाते हैं टू डील्ड विद स्पेशल बिजनेस ओनली। ठीक है, ईच आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस शैल बी इन द फॉर्म ऑफ ए रिजोल्यूशन, और ये जो भी बिजनेस होता है स्पेशल बिजनेस वो किस तरह से किया जाता है, बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन, यानी बताया ही जाता है टू पास अ रिजोल्यूशन, यानी इस तरह का रिजोल्यूशन हमें इसमें ये पास करना है, ये एट द टाइम ऑफ नोटिस ही यानी एजेंडा में ही मेंशन किया जाता है व्हेन देयर इज अ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बिटवीन द ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। फर्स्ट वन इज मीनिंग, क्या होता है मीनिंग, फॉलोइंग फोर बिजनेस आर ऑर्डिनरी बिजनेस, ये जो नीचे दिए है चार बिजनेस है उसे कहा जाता है ऑर्डिनरी बिजनेस। The consideration of accounts, balance sheet and the reports of the BOD and auditors. जैसे हमने देखा है क्या किया जाता है accounts को, balance sheet को और reports जो होते हैं board of directors के and auditors के जो consideration के लिए रखे जाते हैं members के सामने that is known as ordinary business. Declaration of dividend, the appointment of directors in the place of those retiring, the appointment and fixing of remuneration of the auditors. देखिए डायरेक्टर्स जो रिटायर्ड होने वाले हैं उनकी अपॉइंटमेंट, फिर उनके प्लेस पे अपॉइंटमेंट, दूसरा ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट, उनका क्या रेम्यूनरेशन रहेगा, ये पूरा जो फिक्स करने के लिए जो बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जाता है दैट ऑल इज़ नोन एज ऑर्डिनरी बिजनेस। स्पेशल बिजनेस क्या होते हैं फिर, ऑल बिजनेसेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट एन AGM शैल बी डीम्ड स्पेशल बिजनेसेस एक्सेप्ट विच आर ऑर्डिनरी बिजनेसेस। पूरे के पूरे बिजनेस विच आर ट्रांजैक्टेड एट एन AGM
लेकिन जो ऑर्डनरी नहीं है वो पूरे पूरे क्या कहा जाते हैं, वो पूरे के पूरे कहा जाते हैं स्पेशल बिजनेस, यानी चार को छोड़ के जो भी बिजनेस ट्रांसैक्ट किया जाता है वो कहा जाता है स्पेशल बिजनेस। वे ट्रांसैक्टेड कहाँ पे होते हैं, ऑर्डनरी बिजनेस आर ट्रांसैक्टेड एट AGM, ऑर्डनरी बिजनेस जो है वो AGM में ट्रांसैक्ट किया जाता है। स्पेशल बिजनेस आर ट्रांसैक्टेड एट AGM और AGM। स्पेशल बिजनेसेस एक तो AGM में भी किए जाते हैं या AGM में भी किए जाते हैं, क्या फ़र्क है फिर इसमें? इसमें फर्क यह है कि AGM में ऑर्डनरी बिजनेसेस भी किए जाते हैं, स्पेशल बिजनेसेस भी किए जाते हैं, लेकिन EGM एक्स्ट्राऑर्डनरी जनरल मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बिजनेस ही ट्रांसैक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज ये रेजोल्यूशन, एनी मैटर टू बी डील्ड एट AGM में भी ऑर्डनरी बिजनेस बट इट मे रिक्वायर पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। देखिए कोई भी AGM में जो ऑर्डनरी बिजनेस है वो जो डील किया जाता है इसके लिए ऑर्डनरी रेजोल्यूशन ही पास हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी ये जो है पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं दैट मे ऑल्सो रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन। वैसे एनी मैटर टू बी डील्ड एट AGM और EGM में भी स्पेशल बिजनेस, ये स्पेशल बिजनेस हो सकता है AGM और EGM में बट इट मे रिक्वायर पासिंग ऑफ ऑर्डनरी रेजोल्यूशन, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है स्पेशल बिजनेस है तो स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास होना चाहिए, स्पेशल बिजनेस है तो भी वो रेजोल्यूशन ऑर्डनरी रेजोल्यूशन से भी पास हो सकता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट योर स्पेशल बिजनेस एंड ऑर्डनरी बिजनेस विच आर ट्रांजैक्टेड एट AGM एंड AGM। सो थैंक यू।